चाचा भतीजा दोनों बांटते हैं। भतीजा रोज डेली वही दुकान खोलता है और घर का काम करने के बाद छोटा वाला भाई आता है। जब वो आया तो दुकान खोला तो आगे तो सही था, और जब दुकान खोल के अंदर गया दरवाजा देखा तो दरवाजा लोहे का मेन दरवाजा पूरा कटा था। फिर वो और आगे गया तो तीन चार जोड़ी लकड़ी के दरवाजे सब कटे थे। तो उसने फोन किया तो हम सब लोग आके देखे। जब देखे तो सब लोगों ने जो है कहा कि भाई अभी हाथ मत लगाइए, पहले पुलिस को सूचना दीजिए। तो हम लोग इसीलिए खड़े रहे। फिर जब पुलिस आ गई है, पुलिस ने अपना निरीक्षण कर लिया है और कर रहे हैं। अरे यहाँ डेली दिनचर्या में जो माल लगा रहता है काउंटर में और उसमें, वो सब ले गए हैं, कुछ बचाया नहीं। किधर से घुसे चोर, कैसे आए ये? अब हमने तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ से आए। आगे से ही खुला है तो बगल से आने का एक रास्ता संभावित माना जाता है। ये सरजू आभूषण मंदिर कोतवाली करवी के अंतर्गत एक आभूषण की दुकान है, जहाँ पे इनके द्वारा अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना दी गई है कि हमारी दुकान पे चोरी हो गई है। मौके पे यहाँ पे समस्त पुलिस फोर्स मौजूद है और चोरी दरवाज़ा तोड़ करके नीचे से गृह भेदन करते हुए चोरी किया गया है। बाकी अभी अनुमानित मूल्य ये नहीं बता पाए हैं, यानी अभी हम और आकलन करके आपको बताएंगे। पुलिस यहाँ मौजूद है, अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।